श्री कुल नमो बुद्धाय जय भीम। आज हम बुलंदशहर के अंदर एक भव्य बुद्ध विहार है, बुलंदशहर की आन बान और शान, जिसके अंदर एक विशाल कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, द बुद्धिस्ट एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वधान में जो कार्यक्रम दो दिन का चलेगा ये यहाँ पर, और शिक्षा जीवन का आधार कार्यक्रम के अंतर्गत संगदीप बुद्ध विहार सुनहरा नहर के पुल के पास है। तो इसमें पूज्य भिक्खु महाथेरे प्रज्ञा रश्मि जी इसका उद्घाटन करेंगे, और हमारे साथ यहाँ जो बुद्ध विहार है उसके जो देख रेख करने वाले हैं, जिसका संरक्षण में चलता है, तो मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ आपके साथ। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय। क्या नाम है आपका? गुरुदेव सिंह जी। आप इसी बुद्ध विहार पर रहते हैं? जी हाँ, वर्तमान में यहीं पर। वर्तमान में? हाँ, और ये द बुद्धिस्ट एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट, इसके संरक्षक का कार्यभार भी आप ही के अंडर में। किस विषय में है कार्यक्रम ये बताएं? चलो बुद्ध की ओर, शिक्षा जीवन का आधार, इसी पे 15 स्टेटों से और अपने उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया है, वो अपने अपने विचार रखेंगे। चलो बुद्ध की ओर, शिक्षा जीवन का आधार। आप गांव-गांव लोगों को जाते हैं या केवल आज की डेट के अंदर जो है सबसे बड़ा जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं वो या तो मंचों पर चल रहे हैं या यूट्यूब पर चल रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब का मिशन है चलो बुद्ध की ओर या गांव-गांव मिशन 18 मार्च आने वाला है, उस पर हमारे लोग काम नहीं कर रहे, हमारे लोग केवल बातों के धनी हो रहे हैं। कहा तो गया, कहते तो हैं कि काम नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग तो गांव-गांव गए हैं जी, और गांव वाले लोग भी हमसे ये उम्मीद करते हैं, जो बच्चे हैं और जो उनके गार्जियंस हैं वो उम्मीद करते हैं कि शायद ये कुछ करें, हमारी तरफ देखते हैं कि हम किसी दिशा की ओर उन बच्चों को ले जाएं। तो उसके ले जाने का जो मेन एम है, जो काम है, वो यही है, चले बुद्ध की ओर, शिक्षा जीवन का आधार। शिक्षा ही जीवन का आधार है, यदि हम शिक्षित नहीं होंगे। तो मान्यवर ये बताइए कि जो लोग आपने मिशन में दिया है कि चलो बुद्ध की ओर शिक्षा मिशन, शिक्षा का जीवन का आधार है, तो इसमें कुछ बच्चों की हेल्प करते हैं पढ़ने लिखने वालों की, या केवल चलो ही चलो चल तो चल ही रहे हैं? नहीं, इसमें हमारा जो प्रोग्राम है कि गांव-गांव में लाइब्रेरी खोलना जी, लाइब्रेरी खोलना, और जो हमारे क्वालिफाइड बच्चे जिन्होंने इंटर या बीएससी या बीए या कोई टेक्निकल कर रखा है, और उनको हमने ट्रेनिंग देना, उनको कोचिंग देना कि वो सही एम की तरफ जाके अपने कंपटीशन को पास करें और नौकरी प्राप्त करें। तो इसमें यहाँ बुद्ध विहार पर कोचिंग चलेगी या अलग चलेगी? नहीं, बुद्ध विहार पे तो इतनी जगह नहीं होती, ये तो धार्मिक स्थल है यहाँ पे हमारा जी, जी। लेकिन गांव-गांव में जो भी हमारे बुद्ध विहार और अंबेडकर पार्क की जमीन छूटी हुई पड़ी है, वहाँ पर रूम्स वगैरह बना के इस ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ पर लाइब्रेरी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करना। जो पढ़ाने जाएंगे बच्चे उनका जो टीचर जाएंगे उनको सैलरी वगैरह कौन देगा? सैलरी वगैरह ट्रस्ट देगा। ट्रस्ट देगा जी। तो आप इसके संरक्षक हैं यहाँ से जी? बुलंदशहर के रहने वाले हैं? मेरा गांव पारोली है। अच्छा, डाकखाना आचरू कला बुलंदशहर। हाँ, बुलंदशहर। हाँ, जनपद बुलंदशहर। आपने एजुकेशन कितनी हासिल कर ली? मैं डिप्लोमा धारी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ बिजली विभाग में सरकारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय।